सबके लिए लाई हूँ। देखिए न्यू स्वेटर डिजाइन, तो चलिए ये डिजाइन कैसे बनता है बना के देखते हैं। और प्लीज फ्रेंड वीडियो को स्किप मत कीजिए, शुरू से लेकर आखिर तक पूरे वीडियो देखिए, तब ये डिजाइन आपको समझ में आएगा। तो चलिए डिजाइन की पहले सिलाई है, ध्यान दीजिए। तो देखिए मैंने इसमें फंदा डाल लिया, आप पहले बॉर्डर बना लीजिए उसके बाद आप डिजाइन बनाइए। तो मैंने देखिए अभी ये व्हाइट कलर से मैंने ये बनाया, तो अभी इसमें दूसरे कलर में ऐड करूंगी। डिजाइन की पहले सिलाई है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए। पहले सिलाई में देखिए मैंने ऑरेंज कलर से बनाऊंगी और ये मेरे बेस कलर है। देखिए एक दो तीन चार ये पांच, पांच फंदा मैंने ऑरेंज से बिना। अब देखिए इसमें दोनों दो दो जो हमारे ये है कलर है दोनों साथ साथ ही चलेगा। अब एक फंदा मैंने व्हाइट से बिना। अब फिर से देखिए एक दो तीन चार। अब देखिए इसके बीच बीच में ऐसे फंसाते जाएंगे, नहीं तो दूर हो जाएगा तो इसे पीछे अच्छा नहीं लगेगा। तो हमारे चार फंदा हो गया, ये पांच छः सात आठ ये नौ। अब हमारे देखिए ये डिजाइन हमारा शुरू हो गया, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ फंदा बीना। अब एक फंदा फिर से व्हाइट से बीनना है। अब फिर से देखिए ये जो हम एक फंदा व्हाइट बीना, अब फिर से नौ फंदा में ऑरेंज बीनना है। तो एक दो तीन चार इसको बीच बीच में फंसाते जाएंगे, पाँच छ सात आठ नौ। अब नौ फंदा बीनना, देखिए अब फिर से एक फंदा व्हाइट से बीनना है, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ। अब एक फंदा फिर से व्हाइट बीनना है, देखिए ये नौ फंदा मैंने ऑरेंज का बीना, अब एक फंदा व्हाइट। अब देखिए फर्स्ट में भी हमने पांच फंदा बीना था, अब लास्ट में भी हमारे पांच फंदा बीनना है, एक दो तीन चार ये पांच। तो पहली सिलाई आपको इसी तरह से कंप्लीट करना है। देखिए पांच फंदा ऑरेंज एक व्हाइट, नौ ऑरेंज एक व्हाइट, नौ ऑरेंज एक व्हाइट, लास्ट में हमारे पांच फंदा ऑरेंज हो गया। तो इसी तरह से आपने कंप्लीट करना है, नौ ऑरेंज बीनना है एक व्हाइट, नौ ऑरेंज एक व्हाइट, एक नौ ऑरेंज, इसी तरह से पहले सिलाई आपको कंप्लीट करना है। अब रो नंबर टू है, टू रो पर देखिए ये जो हमारे पांच फंदा ऑरेंज था, अब हमारे चार फंदा ऑरेंज बीनना है। देखिए दो तीन ये चार, चार फंदा ऑरेंज बीनना। अब तीन फंदा बीच में हमारा व्हाइट हो जाएगा, ये एक अरे ये व्हाइट पहले का है, ये दो ये तीन, तीन फंदा व्हाइट हो गया। अब जो हमारे नौ फंदा था ऑरेंज, ये देखिए दो तीन चार पांच छ ये सात, देखिए नौ फंदा था तो हमारे सात फंदा हो गया। अब ऑरेंज नौ फंदा ऑरेंज हो गया। अब ये हमारे बीच में देखिए व्हाइट फंदा दिख रहा है, तो अब तीन फंदा व्हाइट बिनना है, ये एक दो ये तीन, तीन फंदा व्हाइट बिना। अब फिर से हमारे सात फंदा ऑरेंज, एक दो तीन चार पांच छ ये सात, सात फंदा ऑरेंज। अब फिर से देखिए ये हमारे व्हाइट आ गया, तो तीन फंदा बीच में व्हाइट हो जाएगा। अब एक ये व्हाइट पहले का ही है, दो ये तीन, तीन फंदा व्हाइट बिना। अब लास्ट का हमारे चार फंदा ऑरेंज बिनना है।
रो नंबर टू हमारे कंप्लीट हो गया। अब थर्ड रो पर देखिए, ये हमारे चार फंदा ऑरेंज से, तो तीन फंदा हो जाएगा, एक दो तीन। अब तीन फंदा ऑरेंज बिना, अब ये जो हमारे तीन फंदा व्हाइट है, इसको पांच फंदा हो जाएगा। अब एक दो तीन चार, ये पांच, पांच फंदा व्हाइट। अब देखिए सात फंदा हमारे बीच में ऑरेंज था, तो दो तीन चार, ये पांच, सात फंदा था, तो अब पांच फंदा हो गया। अब इधर देखिए फिर से हमारे पांच फंदा व्हाइट हो जाएगा। देखिए एक दो तीन चार, ये पांच, पांच फंदा व्हाइट हो गया। फिर से एक दो तीन चार, ये पांच, पांच फंदा ऑरेंज हो गया। अब फिर से पांच फंदा व्हाइट हो जाएगा, तीन फंदा व्हाइट था तो अब पांच फंदा हो जाएगा, क्योंकि दो साइड का दो ऑरेंज को बिनना है और बीच का एक पहले का है तीन, तो पांच फंदा टोटल। देखिए पांच फंदा हो गया। अब लास्ट का हमारा तीन फंदा ऑरेंज बिनना है। देखिए रो नंबर थ्री कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ रो देखिए, ये जो हमारे तीन फंदा ऑरेंज है, अब दो फंदा ऑरेंज बिनना है, ये दो फंदा ऑरेंज, अब हमारे व्हाइट को बिनना है, एक दो तीन चार पांच छः सात, सात फंदा व्हाइट बिना, एक दो तीन फंदा ऑरेंज बिना, अब फिर से व्हाइट बिनना है सात फंदा, एक दो तीन चार पांच छ, ये सात, सात फंदा व्हाइट हो गया। अब फिर से एक दो तीन फंदा ऑरेंज, एक दो तीन चार पांच छ सात, सात फंदा व्हाइट, एक ये दो, दो फंदा ऑरेंज। देखिए रो नंबर फोर हमारे कंप्लीट हो गया। अब सिक्स फाइव रो पर देखिए, एक दो फंदा हमारे ऑरेंज था, तो अब एक फंदा ऑरेंज हो गया। अब नौ फंदा हमारे व्हाइट बिनना, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, ये नौ, नौ फंदा व्हाइट हो गया। देखिए एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ, अब ये जो हमारे तीन फंदा ऑरेंज था, अब एक फंदा ऑरेंज बिनना, देखिए एक फंदा ऑरेंज, फिर से नौ फंदा व्हाइट बिनना, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, ये नौ, नौ फंदा व्हाइट बिनना, अब एक फंदा ऑरेंज, अब फिर से नौ फंदा व्हाइट बिनना। देखिए दो तीन चार पांच छ सात
आठ, ये नौ, एक फंदा ऑरेंज। देखिए हमारे एक डिजाइन कंप्लीट हो गया। अब फिर से हमारे उल्टा साइड से अब डिजाइन शुरू हो जाएगा। तो देखिए क्या करना है, अब मुझे ये जो ऑरेंज है इसको हमें अब व्हाइट से बिनना है। अभी 5 रो हमारे कंप्लीट हो गए, अब 6 रो में हमारे डिजाइन दूसरा शुरू हो जाएगा। अब जो देखिए ये ऑरेंज कलर जितने दिख रहे हैं आपको, सबको व्हाइट करना है, और जितना व्हाइट है उसको ऑरेंज से करना है। तो देखिए ये ऑरेंज कलर है तो इसको व्हाइट बिनना। देखिए ये ऑरेंज को व्हाइट बिनना, अब व्हाइट को ऑरेंज बिनना। तो 9 फंदा हमारे अब व्हाइट बिन व्हाइट है, उसको 9 को हमें ऑरेंज करना है। तो देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 9। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 फंदा ऑरेंज बिना। अब ये ऑरेंज है तो इसको व्हाइट से बीनूंगी। देखिए 1 फंदा व्हाइट आ गया। अब फिर से देखिए ये व्हाइट है तो इसको ऑरेंज बीनना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब ये ऑरेंज है तो इसको व्हाइट से बिनना। अब ये व्हाइट है तो इसको ऑरेंज से बिनना है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 9। अब 1 फंदा लास्ट का, ये देखिए ऑरेंज है तो इसको व्हाइट बिना। देखिए हमारे 6 रो शुरू हो गया। अब 6 रो में हमारे डिजाइन भी देखिए शुरू हो गया। अब हमें यही डिजाइन को रिपीट करना है। अब 1 फंदा हमारे व्हाइट है तो अब 2 फंदा व्हाइट हो जाएगा। देखिए 1, ये 2, 2 फंदा व्हाइट हो गया। अब बीच में जो हमारे 9 फंदा ऑरेंज था, अब ये 7 फंदा हो जाएगा। तो देखिए 2, 3, 4, 5, 6, ये 7, 7 फंदा ऑरेंज हो गया। अब देखिए ये जो बीच में एक हमारे व्हाइट देख रहे हैं, अब 3 हो जाएगा। अब यही 6 रो को आपको बार बार रिपीट करना है। ये देखिए हमारे अब डिजाइन, ये डिजाइन यहाँ शुरू हो गया, जो इधर बनाया इसको अब इधर शुरू हो गया। अब फिर से देखिए 7 फंदा हमारे ऑरेंज बिनना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 7। देखिए अब इसमें 3 फंदा फिर से व्हाइट बिनना है। 1, 2, 3, अब 7 फंदा फिर से ऑरेंज। देखिए ये बहुत ही आसान डिजाइन है। और प्लीज फ्रेंड, आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए 2 फंदा व्हाइट लास्ट का। देखिए ऐसे ही आपको यही 6 रो को बार बार रिपीट करना है। अब देखिए ये 3 हो जाएगा व्हाइट, एक तरफ से घटाते जाना, एक तरफ से बढ़ाते जाना, बस यही करना है इसमें। अब जो हमारे 7 फंदा ऑरेंज था, अब 5 फंदा हो जाएगा। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, अब 5 फंदा व्हाइट बिनना है। आशा करती हूँ अभी आपको डिजाइन समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। ये बहुत ही इजी है। अब ये डिजाइन अब बच्चे के लिए तो बहुत ही सुंदर लगते हैं, ये डिजाइन बेबी स्वेटर के लिए, जेंट्स के लिए भी वैसे आप बना सकती हो ये डिजाइन, जेंट्स और बेबी के लिए।
अच्छी लगती है। देखिए, दो, तीन, चार, ये पांच। अब पांच फंदा फिर से, एक, दो, तीन, चार, ये पांच फंदा ऑरेंज। तीन फंदा व्हाइट। बस इसी तरह से आपको बनाते जाना है। एक, दो, तीन, ये चार फंदा व्हाइट हो गया। एक, दो, तीन फंदा ऑरेंज। अब सात फंदा व्हाइट। ये सात फंदा व्हाइट। तीन फंदा ऑरेंज। ऐसे ही ये सिलाई बनाना है। देखिए, ये सिलाई हमारे कंप्लीट हो गया। आप देखिए, उसका उल्टा साइड है। बस इसी को ही आपको ध्यान देना है। व्हाइट बढ़ते जाएगा और ऑरेंज कम होते जाएगा। आप देखिए, एक, दो, तीन, चार, अब पांच फंदा व्हाइट भी ना। एक फंदा ऑरेंज। अब नौ फंदा फिर से व्हाइट। इसी तरह से ये सिलाई कंप्लीट करना है। देखिए, ये 11 सिलाई हमारे कंप्लीट हो गया। इसी देखिए, अब हमारे इसमें डिजाइन शुरू हो जाएगा। अभी नौ फंदा हमारे ऑरेंज होगा, एक व्हाइट होगा, नौ ऑरेंज, एक व्हाइट। इसी बनाना है। देखिए, मैंने दो डिजाइन आपको बना